देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में भारत के साथ दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक का रोमांचकारी संगम यहां पर देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर डिफेंस एक्सपो 2020 की, और जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में हथियारों का सबसे बड़ा बाजार जो है वो यहां पर सजा है। तो दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियार और तकनीक का रोमांचकारी संगम यहां पर देखने को मिलेगा। तो डिफेंस एक्सपो में मेहमानों और दर्शकों की सुविधा के लिए शटल बसों का भी इंतजाम किया गया था। ये फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ द मोमेंट इज कम फॉर विच वी हैव बीन ईगरली वेटिंग अंडर द इंस्पायरिंग एंड डायनामिक लीडरशिप of our honorable prime minister and driven by his grand vision of a new india and an empowered india we are today a rising force in defense manufacturing I now request him to deliver his address and guide us on the way forward उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीपद यशो नायक जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, आर्मी एयरफोर्स और नेवी चीफ, विभिन्न देशों से आए माननीय मंत्रीगण, देश विदेश से पधारे डिफेंस एंटरप्रेनर्स, एमएसएमईज और स्टार्टअप से जुड़े युवा साथी, देवी और सज्जनों, डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण में आप सभी का लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है और मेरे लिए दोहरी खुशी है। भारत के पीएम के नाते भी मैं आपका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते भी मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, आने वाले समय में ये देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब में से भी एक होने वाला है। ऐसे में नए दशक के इस पहले डिफेंस एक्सपो का लखनऊ में होना, उत्तर प्रदेश में होना अपने आप में प्रसन्नता का विषय है। मुझे बताया गया है कि इस बार का ये एक्सपो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होने के साथ साथ अब दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपो में से एक बन गया है। इस बार 1000 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और दुनिया भर से 150 कंपनीज इस एक्सपो का हिस्सा है। इसके अलावा
अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और बिजनेस लीडर भी आज हमारे बीच मौजूद है। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से लखनऊ के सांसद और हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राजनाथ जी, रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर भारत की रक्षा सुरक्षा की चिंता करने वालों के साथ साथ पूरे भारत के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। मेक इन इंडिया से भारत की सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और इससे भविष्य में डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा। साथियों, दुनिया में जब 21वीं सदी की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया का ध्यान भारत की तरफ केंद्रित होता है। आज का ये डिफेंस एक्सपो भारत की विशालता, उसकी व्यापकता, उसकी विविधता और विश्व में उसकी विस्तृत भागीदारी का जीता जागता सबूत है। मैं इस बात का भी ये सबूत है कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत एक सशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा है। ये एक्सपो सिर्फ डिफेंस से संबंधित उद्योग में ही नहीं बल्कि समग्र रूप से भारत के प्रति दुनिया के विश्वास को भी प्रकट करता है। रक्षा और इकोनॉमी जैसे विषयों की जानकारी रखने वाले जरूर इस बात को जानते हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार ही नहीं है, भारत पूरे विश्व के लिए एक अपार अवसर भी है। साथियों, मानव जीवन का इतिहास जितना पुराना है, सुरक्षा की चुनौतियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है। इन चुनौतियों के स्वरूप में, कारणों में, उनसे निपटने के तरीकों में भी परिवर्तन समय समय पर दुनिया ने देखे हैं। जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, सुरक्षा की चिंताएं और चुनौतियां और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। जैसे जैसे जिंदगी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा की चुनौतियां भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है। और इसलिए आज के इस डिफेंस एक्सपो की थीम भी आने वाली कल की चिंता और चुनौतियों से जुड़ी हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ये थीम और ये विषय वर्तमान के साथ ही भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो और टेररिज्म भी हो या फिर साइबर थ्रेट हो, ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नए सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए
दुनिया की तमाम डिफेंस फोर्सेस नए टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। साथियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम हो या 3D प्रिंटिंग, आने वाले कल ही हर टेक्नोलॉजी पर भारत में आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम निरंतर चल रहा है। भारत द्वारा डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। यहां कई प्रोटोटाइप भी आज लॉन्च किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 5 वर्षों के दौरान डिफेंस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कम से कम 25 प्रोडक्ट विकसित किए जाएं। साथियों, 21वीं सदी के भारत की एस्पिरेशंस और एबिलिटी का प्रदर्शन करने वाले इस एक्सपो का लखनऊ में होना एक और वजह से भी अहम है। यहां से सांसद रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही देश में डिफेंस इंडिजनाइजेशन का सपना देखा था और इसके लिए अनेक कदम उठाए थे। उन्हीं के विजन पर चलते हुए भारत ने अनेक डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्माण में तेजी हासिल की। बीते 5 वर्षों में इसमें और ज्यादा तेजी आई है। साल 2014 तक यहां सिर्फ 217 डिफेंस लाइसेंस इश्यू किए गए थे, वहीं बीते 5 वर्षों में ये संख्या 460 हो गई है, यानी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो कर ही रहा है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेयर बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था, वहीं बीते 2 साल में भारत करीब 17000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। साथियों, बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव है, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत सैकड़ों वर्षों तक दुनिया की प्रमुख शक्तियों में रहा, लेकिन आजादी के बाद हमने अपनी इस ताकत का उपयोग
उस गंभीरता से नहीं किया जितना हम कर सकते थे। हमारी नीति और रणनीति इंपोर्ट पर फोकस होकर रह गई। परिणाम यह हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कब तक सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के भरोसे रह सकता था? यही नहीं, डिफेंस इंपोर्ट से भारत का इंपोर्ट बिल भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। अगर इंपोर्ट की नीति पर ही हम काम करते रहते तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम भी देश कैसे देख पाता। भारत के युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर में लाखों नए रोजगार के निर्माण का सपना कैसे पूरा हो सकता? साथियों, इसी स्थिति को बदलने के लिए 2014 के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। बीते 5 वर्ष में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। साथियों, आधुनिक शस्त्रों के विकास के लिए 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उच्च क्षमता और उन शस्त्रों का उत्पादन। बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने इसे अपनी राष्ट्र नीति का प्रमुख अंग बनाया है। इसी नीति पर चलते हुए डिफेंस R&D और मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। दूसरे देशों के साथ जॉइंट वेंचर्स पर काम किया जा रहा है। एक फोकस अप्रोच के साथ तमाम साइलोज को खत्म करने की भी कोशिश की गई है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए आज जरूरी एनवायरनमेंट तैयार है। साथियों, हमारी सरकार ये भी चाहती है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी बराबर की भागीदारी हो, साझेदारी हो। मैं समझता हूं कि उपयोगकर्ता और उत्पादक यानी यूजर एंड प्रोड्यूसर के बीच भागीदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इस कार्य में भारत तथा विदेश के निजी उद्योग अपना योगदान कर सकते हैं। पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर को टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत समस्याएं आती थी। इसके लिए अब रास्ते खोले गए हैं और DRDO में भारतीय उद्योगों के लिए बिना चार्ज के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नीति बनाई गई है। भारतीय उद्योग DRDO के पेटेंट्स अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रिसर्च में यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए DRDO ने 5 नई लैब बनाई है। उन्हें 35 साल से कम उम्र के युवा ही मैनेज भी कर रहे हैं
और इनमें रिसर्च भी कर रहे हैं। ऐसे कदमों से डिफेंस सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बेहतर इंटीग्रेशन और एक दूसरे की क्षमताओं से बेहतर लाभ मिलने में काफी मदद मिल रही है। इसके अलावा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिजीम को उदार बनाया गया है। इससे रक्षा क्षेत्र में न्यू एंट्रेंट्स का खास तौर पर एसएमईज की एंट्री आसान हुई है। निजी क्षेत्र की सहूलियत बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाए जा रही 600 वस्तुओं में से हमारी सरकार द्वारा 275 को नॉन कोर घोषित किया गया है। साथियों, हमारी सरकार हमारा डिफेंस सेक्टर में एफडीआई के नियमों को भी आसान और लिबरल किया गया है। अब डिफेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ हुआ है, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से संभव हो सकता है। बीते 5 वर्ष में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में करीब 1700 करोड़ एफडीआई आने का मार्ग बना है। ऑफसेट के क्षेत्र में भी अनेक बदलाव किए गए हैं। ऑफसेट गाइडलाइंस को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। ऐसे कदमों से वर्ल्ड सप्लाई चेन में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। दुनिया के टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अधिक कॉम्पिटिटिव इंडियन पार्टनर्स मिलेंगे। साथियों, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और रक्षा खरीद और इससे जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के लिए वर्ष 2018 में हमारी सरकार द्वारा डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। बीते 8 महीने में पॉलिसी रिफॉर्म का यह सिलसिला और तेज हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बनने से डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया और आसान होने वाली है। इनका निश्चित लाभ डिफेंस सेक्टर से जुड़े उद्योगों को होगा और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के इच्छुक आप सभी इन्वेस्टर्स को होगा। फ्रेंड्स, आज भारत में 2 बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक तमिलनाडु में है और दूसरा यही हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन कॉरिडोर्स के विकास से डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, यूपी और तमिलनाडु में दूसरे छोटे उद्योगों को भी बल मिलेगा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के लाखों नए अवसर भी अवश्य मिलेंगे। अगले 5 वर्षों में इन डिफेंस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है। अब तक यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी हो चुकी है। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर के तहत यहां लखनऊ के अलावा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर में नोड स्थापित किए जाएंगे। वैसे यहां पास में ही अमेठी के कोरबा में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में
आपने जरूर सुना होगा। ये जगह लखनऊ से बहुत दूर नहीं है। यहां भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल बनाने का एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है। ये ज्वाइंट वेंचर आने वाले समय में भारत में एक वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन तैयार करेगा। AK-203 राइफल के उत्पादन में 100% इंडिजनाइजेशन का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और गति देने के लिए और विस्तार देने के लिए नए लक्ष्य, नए टारगेट रखे गए हैं। हमारा लक्ष्य रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एमएसएमई की संख्या को अगले 5 वर्षों में 15,000 के पार पहुंचाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि 2018 में डिफेंस एक्सपो में आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ जोड़ने के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करना था। इसकी मदद से अब फोर्सेस की जरूरतों के अनुसार लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव उपाय विकसित किए जा रहे हैं। इनमें सी थ्रू आर्मर, अंडर वाटर व्हीकल्स, सैनिकों के लिए इंडिविजुअल प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल है। मुझे विश्वास है इस प्रयास से दुनिया भर में फैले इंडियन इनोवेटर जुड़ेंगे। साथियों, आईडेक्स के आइडिया को विस्तार देने के लिए, इसको स्केल अप करने के लिए 200 नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश ये है कि कम से कम 50 नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स का विकास संभव हो सके। इसके अलावा डीआरडीओ में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए कोलैबोरेटिव एकेडमिक रिसर्च पर भी काम चल रहा है। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि बाहर से इंपोर्ट किए गए कंपोनेंट्स और भारत में बने रक्षा उपकरण का, सब असेंबलीज का, इंडिजिनाइजेशन का ये हम आसानी से कर सके। अगले 5 वर्षों के दौरान 5,000 ऐसे कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज करने का टारगेट लेकर देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमारा प्रयास एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान बनाने का भी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ी रणनीति को दिशा देगा। इसका उद्देश्य आने वाले 15-20 वर्षों में अति आवश्यक टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं की पहचान करके उसके निर्माण के लिए योजना बनाना है। वैसे मेरा यह भी सुझाव है कि देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री बॉडीज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिससे वो रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विकास और उत्पादन दोनों का लाभ उठा सके। साथियों, विश्व पटल के साथ ही आज भारत आउटर स्पेस में भी अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कैपेबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। आउटर स्पेस में भारत की उपस्थिति पहले से ही मजबूत है और आने वाले वर्षों में ये और सशक्त होने वाली है। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी
130 करोड़ भारतीयों को गवर्नेंस से लेकर सिक्योरिटी तक में अहम भूमिका निभा रही है। गरीब के घर के निर्माण से लेकर विनाशकारी साइक्लोन से भारतीयों की रक्षा के लिए आज अपने स्पेस एसेट्स का उपयोग हम कर रहे हैं। ऐसे में स्पेस में भारत की रुचि वॉरफेयर के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए है। भारतीयों के साथ ही सबके वेल बीइंग के लिए है। मुझे गर्व है कि इस मामले में भारत ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का विकास किया है। आज इसरो भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आउटर स्पेस एक्सप्लोर कर रहा है, तो भारत का डीआरडीओ इन एसेट्स को गलत ताकतों से बचाने के लिए डिफेंस की दीवार भी खड़ी कर रहा है। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस डिफेंस दोनों मामलों में भारत दुनिया की एक अहम ताकत है। आने वाले समय में इसको हम और अधिक एक्सप्लोर करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्सप्लोर करेंगे। साथियों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता उसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हम पर इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से में अपने हितों के अलावा मानवता को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर खुद के साथ साथ पड़ोस के अपने मित्र देशों को भी सुरक्षा देने का दायित्व है। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के लिए हर वक्त तैयार रहना हमारी जरूरत है। साथियों, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हमारी एम्बिशंस किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। ये काम भारत के का अगर इतिहास देखा जाए, भारत ने ना कभी किया है और ना ही ऐसा करने की हमारी इच्छा है। भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से विश्व शांति का भरोसेमंद पार्टनर रहा है। दो वर्ल्ड वॉर्स में हमारा डायरेक्ट स्टेक ना होते हुए भी भारत के हजारों जवान शहीद हुए। आज दुनिया भर में 6000 से ज्यादा भारतीय सैनिक यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। यहां अफ्रीका में हमारे मित्र देशों के अनेक साथी आज मौजूद है। वो जानते हैं कि अफ्रीका में शांति स्थापना के लिए भारत की सेना ने किस तरह हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से अफ्रीकी देशों के डिफेंस मिनिस्टर भी आज हमारे बीच मौजूद है और उनके साथ पहली बार एक विशेष कॉन्फ्रेंस डिफेंस एक्सपो में आयोजित की जाएगी। साथियों, भारत दुनिया का एक प्रमुख एरोस्पेस रिपेयर एंड ओवरहॉल हब बनाने की क्षमता रखता है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में असीमित संभावनाएं हैं। यहां टैलेंट है और टेक्नोलॉजी भी है। यहां इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यहां फेवरेबल पॉलिसी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी है। यहां डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डिसिसिवनेस भी है और आप सब भी हैं। मैं आप सभी को, पूरी दुनिया के डिफेंस इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को आमंत्रित करता हूं।
यहां लगा आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न देगा और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस एक्सपो को उसकी सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।